Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. हीरा शंभू टाइगर मेरे साथ चल और बाकी सब मेरे वापस आने तक इंतजार करना, समझा? चल। करण, आज कॉलेज में क्या पढ़ाई हुई? ठीक है, मैं दे दूंगी। चल चल, टाइम हो। क्या बात है? बॉस ने माल भेजा है। चुप, आ कोने में आ, दे माल दे। अबे रोकड़ा निका, अभी नहीं, बॉस को बोलना, बाद में भिजवा दूंगा। ठीक है। करण, ये तू क्या कर रहा है? ये सब जान के तू क्या करेगा? मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानता है बे? सुन, चुपचाप यहाँ से निकल जा। मुझे पता है, ये ब्राउन शुगर है, ये ब्राउन शुगर है और इसे कॉलेज में बेचा जाएगा। एकदम चुप चुप। आज मैंने तय कर लिया है, मैं ये बात प्रिंसिपल को बताऊंगा और अमर भैया को भी। अमर को बताएगा? अमर को बताएगा? साले तेरी इतनी हिम्मत, किसे बताएगा? हाँ बताऊंगा, प्रिंसिपल को बताएगा। साले चिलगोजे, मार साले को। बुला तेरा कौन बाप है? बुला तेरे बाप को। अमर भैया, वाह बहुत खूब, मार खा के आ गए। एक लड़के ने सारा काम बिगाड़ दिया। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, ये मेरी पहली गलती है। उसने हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। इस कहानी का मैं ही खलनायक हूं, विक्रम, विक्रम त्रिवेदी। वैसे वो हीरो कौन है? अमर। अमर इंडस्ट्री सेक्रेटरी कृष्ण चौधरी का बेटा। ओ श्री कृष्ण, IAS। वो जब कलेक्टर था तब नायक बनके इस खलनायक के सभी देसी शराब के ठेकों को सील कर दिया था। हाँ बस, उसी ने तो आपको नकली शराब के केस में अंदर भिजवाया था। श्री कृष्ण चौधरी, उस दिन तू जिस आग के साथ खेल रहा था, आज तेरे बेटे ने उस आग में घी डालकर मेरे पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। तुझे पता नहीं है, पर तेरे बड़े बेटे को पागल बनाने वाला मैं ही हूं। अगर अमर इस कहानी का नायक है तो मैं भी खलनायक बनकर उसे पागल बना दूंगा। पागल। भैया रुको, भैया रुको। रामू काका, भैया सुनो, भैया अजय रुक जाओ, भैया अजय शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ, भैया अजय शांत। रामू काका पहले आग बुझाइए। हाँ बुझाता हूँ भैया, शांत हो जाओ, रुक जाइए भैया, भैया शांत हो जाइए, भैया अरे सर रुक जाइए, भैया प्लीज रुक जाइए, भैया पकड़ो इन्हें, जीजा जी, भैया रुक जाइए, भैया प्लीज रुक जाइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए।
और कोई चारा नहीं था, इसलिए शॉक थेरेपी देनी पड़ी। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, आग देखने से अजय और भी बौखला जाता है, इसलिए इस मामले में आप लोगों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते डॉक्टर, इट्स एन एक्सीडेंट। मैं सोच रहा था अजय को इस हालत में घर में रखना ठीक नहीं होगा, आप उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट? नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेंटल हॉस्पिटल की जो हालत है वहां अच्छे लोग भी पागल हो जाते हैं। प्लीज डॉक्टर, मेरे भैया को वहां मत भेजिए। लेकिन यहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा? अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग तो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? आप उसकी चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, भैया की सारी जिम्मेदारी मेरी है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। वल्जन, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अमर। माँ, तुम चिंता मत करो माँ, देखना भैया ठीक हो जाएंगे। हाय अमर। हाय। अरे अमर, इतनी मिठाइयाँ किस खुशी में? अरे तुझे पता नहीं, आज गीता का बर्थडे है। इसका मतलब हमारी स्वीटी ब्यूटी गीता भाभी का बर्थडे है। तो मजा आ जाएगा। अभी कहाँ मजा, मजा तो अब आएगा। यहाँ जितनी मिठाइयाँ देख रहा है सब हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स खाएंगे। क्यों, इसमें क्या है? अरे पगलू, इन मिठाइयों में मैंने ऐसी दवाई मिला दी है, जो इसे खाएगा वो हर बात पे ऐसे करेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज टेक योर सीट, अटेंड योर रोल कॉल। रोल नंबर वन। यस सर। साइलेंस, साइलेंस, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ऑल राइट, रोल नंबर टू। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। तुम्हारा नाम क्या है? गीता गुप्ता। वेरी स्वीट नेम। आप मुझे आंख मार रहे सर? कहाँ, नहीं तो मैं इसकी जाकर प्रिंसिपल से रिपोर्ट करूंगी। प्रिंसिपल है? है। सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सर मैं कह रही हूँ। हाँ? ये कॉलेज है या कोई और जगह? नहीं नहीं, ये कॉलेज है। कॉलेज, कॉलेज, और इस कॉलेज का प्रिंसिपल मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन सर, इस कॉलेज के प्रोफेसर्स लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्या हुआ बेटी, बेटी, बेटी? इंग्लिश के प्रोफेसर रोहित सर ने मुझे आंख मारी है। लड़की को आंख मारी है? गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, समझ गया, समझ गया। ए गीता। हाँ गीता, प्रिंसिपल ने तुझे आंख मारी ना? तुम लोगों को कैसे पता? तुम लोगों को सब पता है। तेरे होने वाले पति मतलब अमर ने आज कॉलेज के पूरे स्टाफ्स को मिठाई में दवाई मिलाकर खिलाई है, इसीलिए हर कोई ट्यू ट्यू ट्यू। ओह गॉड। अरे तुझे पता नहीं, सुबह से संजना मैम रोमांस करी जा रही है। अमर कहाँ है? और कहाँ, तुझे मिठाई खिलाने के लिए तेरा इंतजार कर रहा है। अमर, हैप्पी बर्थडे गीता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
संग संग चलेंगे दोनों कहेंगे जान जान तुम राजा मैं हूँ रानी जम गई दोनों की कहानी हम राजा तू है रानी जम गई दोनों की कहानी इकरार किया है तुझसे ही तुझसे सनम ला ला ला, ला ला ला, दिल देंगे हाँ, जान देंगे हाँ, तुझको है तुझको सनम ओ प्यार किया है इकरार किया है तुझसे ही तुझसे सनम अपना तुझ मान लिया तेरे लिए ओ जान जा घर के जिया सुन ले ओ मेरी जान बस तू ही मेरा जहां मिलके रहेंगे संग संग चलेंगे दोनों कहेंगे जा हम राजा तू है रानी जम गई दोनों की कहानी तुम राजा मैं हूँ रानी जम गई दोनों की कहानी या दुख हम और तुम अब तो मिलके सहेंगे ओ ना कोई डर ना है फिकर हम तुम यूं ही मिलेंगे सुख हो या दुख हम और तुम अब तो मिलके सहेंगे जब तक है नम में नम हम तेरे तुम मेरे संग संग चलेंगे दोनों कहेंगे जान जान तुम राजा मैं हूँ रानी जम गई दोनों की कहानी हम राजा तू है रानी जम गई दोनों की कहानी हाँ, तुम राजा मैं हूँ रानी जम गई दोनों की कहानी हम राजा तू है रानी जम गई दोनों की कहानी जरूर विक्रम होगा माँ माँ क्या हुआ मैं कॉलेज जा रही हूँ ठीक है जाओ माँ सीमा अकेले ही कॉलेज जा रही है कुछ देर बाद तो मैं भी निकलूंगा मेरे साथ ही चल लेती अरे उसे जाने दो तुम भैया को नहला के उसके बाद ही तो जाओगे
ये विक्रम, घर के सामने ये सब क्या हो रहा है? हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक, और तुम्हारी इस कहानी का मैं हूँ नायक और तुम हो। ए विक्रम, तुम बहुत बदमाश हो, गाड़ी चलाओ। ओहो, सलाम साहब। ये कहाँ लेके आए? देखो, कभी भी मैं तुम्हें अकेले नहीं पाता, और आज जब मिली हो तो फिर चलो कुछ देर के लिए सही एक दूसरे में खो जाए। हे सीमा, कम ऑन, चलो। विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं सबको बुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हे सीमा, इसमें कोई शक है तुम्हें? In every action, there is an equal and opposite reaction. अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, तो तुम मुझसे कैसे प्यार करती? Oh my darling, विक्रम। विक्रम, प्लीज। Hey, सीमा। सीमा, हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। मैं हूं इस कहानी का खलनायक, श्री कृष्ण चौधरी। अब मेरा खेल देख, तेरी कहानी के एक एक किरदार को मैं मार कर फिनिश कर दूंगा। फिनिश। चंपा, खा लिया तुमने? इतनी जल्दी खा लिया तुमने? हाँ। बोल रहा हूँ चंपा, तुम्हारा दोनों सामान बिल्कुल खराब हो गया है। हाँ पता है खराब हो गया है। तो फिर मेरा दोनों ले लो ना। क्या ले लूँ? ओ लड्डू। लड्डू क्या मैं खाती हूँ? वो तुम ही खाओ। ए सर आ जाएंगे, तुम जल्दी खा लो। तुम ये सब क्या बोल रही हो चंपा? यहाँ पे सर, घर में भैया, तो तुम बोलो मुझे रोमांस कहाँ होगा? क्यों भैया जब नहीं रहेंगे आ जाना। चंपा। नमस्ते। क्या क्या काम है? मैं सेक्रेटरी साहब से मिलना चाहता हूँ। वो नहीं मिल सकते, आपको पता नहीं है ये उनका लंच का समय है। मुझे उनसे जरूरी काम था, मैं उनका दोस्त हूँ। दोस्त? सुन रही हो चंपा, वो कृष्ण और ये सुदामा। मेरा नाम सुदामा है, आपने ये कैसे जाना? मैं सब जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ का पीए हूँ। देखिए कितने सचिव मतलब कि सेक्रेटरी गए, लेकिन मैं पंचानंद मोहंती पीए इसी ऑफिस में ही हूँ। क्या काम है? कोटा परमिट, लाइसेंस या फिर कुछ और? नहीं, पर्सनल। ओ पर्सनल, ठीक है। आजकल ये सब चलता है? सिर्फ आजकल क्यों, कल था, आज है और आगे भी रहेगा। वरना मैं आप लोगों की मदद करूंगा कैसे? ठीक है लीजिए। जाइए। देखा ना चंपा, दुनिया वालों को मैं चूना लगाता हूँ और ये जनाब मुझे चूना लगाने आए थे। कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण बाबू का दोस्त हूँ। अरे तुम? क्या बात है। अरे तू हैरान क्यों हो रहा है? अरे होगा नहीं। अरे अचानक कहाँ से आ गए? कहाँ से मतलब? ट्रांसफर हुई है खड़गपुर से अलीपुर। कौन से पोस्ट पे आए? हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्शन इंचार्ज बनकर आया हूँ। सच में? अरे फिर तो बहुत अच्छा हुआ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए दानपुआ लाया हूँ। दानपुआ? अरे दे दे, सुन के ही मुँह में पानी आ गया। ये ले, तुम्हारी भाभी रहती तो अपने हाथ से बनाकर तुम्हारे लिए भेजती, वो तो रही नहीं, इसलिए मैंने ही बनाया है।
तुम्हें अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण जी को अगर सुदामा जी का खाना अच्छा लग सकता है तो फिर तेरे हाथों का बना हुआ दानपुआ अच्छा क्यों नहीं लगेगा। फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बना है। सुन रही हो चंपा, मैं फंस गया। क्यों, क्या हुआ? यह आदमी सचमुच कृष्ण बाबू का दोस्त है, मुझे नहीं पता था। अब क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करना है, चलो घर चलते हैं। जाएंगे मतलब? इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी चले जाएंगे? ये नहीं चलेगा, खाना खाकर फिर जाइएगा। ठीक कहा तुमने। नहीं भाभी, मुझे गीता से मिलना भी है। गीता? गीता कहाँ है? यहाँ, वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है, इस बार वो बीए का फाइनल देगी। क्या कहा, गीता यहाँ हॉस्टल में रह रही है? देखा शांति, ये हमें गैर समझता। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे नहीं नहीं भाभी, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे? गीता यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करती तो क्या बोझ होती? ठीक कहा, जी तो करता है, माँ की तरह सब देख रही है भाभी, इसका बचपना अभी नहीं गया। क्या हो रहा है, वो फिर चिल्ला क्यों रहा है? और क्या माँ जी, कुछ देख लिया इसीलिए चिल्ला रहे। ए कृष्णा, कौन चिल्ला रहा है? अजय। अजय, सब कुछ हमारी किस्मत है सुदामा भैया। वो कहते हैं ना, भगवान सबको सब सुख नहीं देते हैं। ऐसा अगर नहीं होता तो मेरा इतना हंसता खेलता बेटा वो कभी पागल हो जाता। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा? इलाज तो चल ही रहा है, देखते हैं। अच्छा मैं चलता हूं, मैं चलता हूं, फिर किसी दिन आऊंगा। ठीक सुदाम। हाँ, तुम रहोगे कहाँ? ऑफिस के मेस में एक दो दिन रह लूंगा, क्वार्टर मिलते ही वहां चला जाऊंगा। अच्छा, क्वार्टर इस शहर में मिलना आसान है क्या? ठीक है, होम सेक्रेटरी के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे कह के जितनी जल्दी हो सके एक क्वार्टर मुहैया करवाना मेरी जिम्मेदारी है। काम 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 काम, एक आदमी कितना काम करेगा बोलो तो। क्या हुआ दीदी? आपके पापा आए हैं। पापा आए? हाँ। ले तो खेल में अभी आ रही हूँ। पापा, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं बेटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्वार्टर मिला आपको? कहाँ रहेंगे आप? अभी मेस में हूँ, दोस्त ने कहा है क्वार्टर दिलवा देगा। दोस्त? कौन दोस्त? मेरे बचपन का दोस्त, यही रहता है, श्री कृष्ण चौधरी। तूने बचपन में देखा था ना, जब मैं बोलपुर में रहता था तब वो डीएम था, वो अब कंपनी का सेक्रेटरी बन गया। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट श्री कृष्ण चौधरी? हाँ, क्यों क्या हुआ बेटी? नहीं, ऐसे ही। तुम उसे जानती हो बेटी? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे जानूंगी। पापा, क्वार्टर मिल जाएगा ना तो मैं आपके साथ वहीं रहूंगी। क्या कहा, तुम क्वार्टर में रहोगी? यहाँ हॉस्टल में रहती हो तो हम लोग फिर भी मिल लेते हैं, उसमें भी तुम्हारे पीछे यहाँ पे कोई ना कोई आगे पीछे घूमता ही रहता है। और अगर क्वार्टर में गई तो वहाँ एक और विलन की एंट्री होगी। हा? होने वाले ससुर जी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरे होने वाले ससुर पापा के दोस्त हैं। कल ही पता चला। कल? ओ हाँ, कल पापा के एक दोस्त आए थे, मम्मी कह रही थी। यस डियर, वही है मेरे पापा। इज इट? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हीरो आईएएस ऑफिसर बन गया। कुछ ही दिनों में मुझे ट्रेनिंग का लेटर आएगा और मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, और ट्रेनिंग के बाद ही। गीता? अरे गीता, क्या हुआ? हे, कितनी आसानी से कह दिया कि तुम ट्रेनिंग में चली जाओगे, लेकिन तुम चले गए तो मेरा क्या होगा सोचा है? हे, तुम्हें क्या लगता है, मैं बहुत खुश रहूंगा? दो दिन तुमसे नहीं मिलता हूं तो मैं पागल हो जाता हूं, इतने दिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? मुझसे शादी करके मुझे कब ले चलोगे अमर? इसलिए तो कह रहा हूं, ट्रेनिंग के बाद पापा से तुम्हारी बात करूंगा। अमर, मैं तुमसे बिछड़ के एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। Thank you.
यू आर मिस्टर विक्रम, विक्रम त्रिवेदी। आई एम अमर, अमर चौधरी। मीट माई गर्लफ्रेंड गीता। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। नमस्ते। समझे विक्रम जी, अगर आप नो विक्रम जी, जस्ट विक्रम। ओके विक्रम, आज जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपका आभार। अरे नहीं नहीं, मैंने जो किया है एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। From now onwards we are friends. और दोस्ती में formality नहीं चलती। So nice of you. Thanks for your nice compliment. तो फिर हम लोग चलते हैं। Bye. Bye bye. Bye bye. चलो। See you. गीता, nice name. तुम्हारा नाम भी तुम्हारी ही तरह सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉस, आपका रोल मुझे समझ में नहीं आया। हमें भेज के हमें ही पीट दिए। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक, लेकिन अमर के जीवन में अब मैं नायक के रूप में खलनायक बनकर उसे फिनिश कर दूंगा। मैं फिनिश। तुझे सब्जी दूं? नहीं। नहीं लोगी? और दो पूड़ी दे दो। दो। ले और दो पूड़ी ले। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं। खा ना। भुक्कड़ को दो, भुक्कड़ को। क्या कहा आपने? मैं भुक्कड़ हूँ? भुक्कड़ नहीं, महाभुक्कड़। ठीक है, मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन तुम्हारा ये खाना छोड़ना एकदम ठीक नहीं है। अंडा पूड़ी मिठाई सब खाओ। अरे नहीं माँ, इसे ही दे दो। ये IAS एग्जाम देने जा रहा है ना, यहाँ नहीं खाया तो वहाँ जाके किताब खाएगा। माँ बहुत बड़ा भुक्कड़ है माँ। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। आप छुपा रहे हैं पापा, आप कुछ और सोच के हंस रहे थे। हर समय ऑफिस की बात क्यों सोचते हो, कम से कम शांति से बैठकर खाओ। नहीं शांति, अजय की बात सोच के मैं कहीं और ही खो जाता हूँ। अजय कब ठीक होगा, कब हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे। ओहो पापा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि 2-3 शॉक ट्रीटमेंट के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, और वैसे भी मैं तो हूँ। माँ रो मत माँ, तुम्हें रोने से मना किया है ना मैंने। माँ होता तो समझता कि कैसा लगता है। चुप हो जा माँ। अमर साहब, अमर साहब, अमर साहब। क्या हुआ रामू काका? आपके नाम पे चिट्ठी आई है, ये लीजिए दस्तखत कीजिए। लो। अरे फुलवा रानी, पापा मुझे IAS में चांस मिल गया। अरे वाह। हाँ पापा। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। माँ मैं भी ऑफिसर बनने वाला हूँ। हाँ बेटा। मेरी आंखें बंद मत करो। डर गई क्या, मैं तो तुम्हारा अमर हूँ। देखो आंखें बंद करने से मुझे बहुत डर लगता है, लगता है अंधी हो गई हूँ। अच्छा
अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे डर नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। रहने दो और बहानेबाजी मत करो। ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कब से इंतजार कर रही हूँ पता है? मैं अब क्या करूँ? पापा ने इन्विटेशन कार्ड छपाने के लिए दे दिया। इन्विटेशन कार्ड? हाँ, ओम श्री श्री गणेशाय नमः। आने वाली 20 तारीख को मेरे प्रिय पुत्र आयुष्मान अमर के संग गीता का अमर, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ये तो ट्रेनिंग ऑर्डर है। अरे मैडम, ट्रेनिंग के बाद ही तो हमारी शादी की लाइन क्लियर होगी, वरना श्री कृष्ण चौधरी भी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, ना ही सुदामा गुप्ता। ओह, तुम ट्रेनिंग में चले जाओगे इसीलिए मुझे बहला रहे थे। ठीक है, तुम्हें अगर ट्रेनिंग में जाना ही है तो मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? अरे ये क्या हे, तुम क्या मुझे रो के विदा करोगी? सुनो, सिर्फ कुछ दिन की बात है, बस यूं ही गुजर जाएंगे, और वैसे भी तुम्हारा भी तो एग्जाम है, और उसके बाद तुम्हारा हीरो आने के बाद राजा की आएगी बारात। हे गीता, हे सुनो, नहीं, नहीं भैया, भैया भैया, गाड़ी आ गई है। हाँ आ रहा हूं, चलता हूं भैया, चलता हूं। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? नहीं, सुन, तू पहुंच के एक फोन करना। एक फोन क्यों? अगर तुम कहोगी तो मैं रोज फोन करूंगा। पापा ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक है? आईएएस की ट्रेनिंग वैसे भी बहुत सख्त है, ठीक टाइम से खाना वाना खा लेना। अरे अरे अरे, मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है भैया। रामू काका। हाँ बोलिए। मामा, भैया का ख्याल रखिएगा। हाँ। ओहो, बाहर जाते वक्त इतना सब क्यों सोच रहे हो? हम सब तो हैं, तुम आराम से जाओ। चलता हूँ माँ। हेलो गीता, कहाँ कॉलेज जा रही हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे आओ, मैं छोड़ दूंगा। ओके। इफ यू डोंट माइंड गीता, मैं एक बात बोलूं? बोली। कह रहा था तुम्हें यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए। क्यों? इस शहर में खराबी क्या है? मुझे तो गर्व है कि मैं इस शहर में जन्मी हूँ। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं कह रहा था कि तुम्हारा जन्म अगर यहाँ नहीं, यूरोप या अमेरिका में होता, या फिर सोचो अगर तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ती, तो मेरे ख्याल से तुम मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स हो सकती। ओह माय गॉड। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। छोड़िए, चेंज द टॉपिक। मैं जानता हूँ तुम अमर से प्यार करती, लेकिन उससे शादी करने के बारे में सोचो तो तुम गलती करोगी। पहली बात, श्री कृष्ण चौधरी जैसे एक हाईली डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट एक क्लर्क की बेटी को अपने घर की बहुरानी कभी नहीं बनाएंगे। चलो मान लेते हैं कि शादी हो भी गई, अमर से शादी के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अमर सिर्फ अय्याशी की जिंदगी ही बिताएगा, और उस समय तुम्हें घर पर बिठाकर दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करेगा। विक्रम जी, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने बहुत कुछ कह दिया। यू हैव क्रॉस द लिमिट। आई से स्टॉप द कार। गाड़ी रोकिए। तुम नाराज हो गई गीता? लिसन गीता, मैं फिर कहता हूँ, इस बारे में दोबारा सोचो। विक्रम जैसे एक बिजनेसमैन के साथ शादी करके तुम बहुत खुश रहोगी। यस। हाउ डेयर यू।
हर कहानी का एक नायक होता है और एक खलनायक। तुम्हारी इस कहानी का मैं नायक नहीं हूं गीता, मैं सिर्फ खलनायक हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ हो रही है, वो क्या ठीक नहीं होगा? क्या करूं बताइए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन ये शॉक ट्रीटमेंट कब तक चलेगा डॉक्टर? मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, जो दिया गया है उससे ज्यादा देना अजय के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसके ठीक होने के कोई आसार मुझे नजर नहीं आते। पर इसका इलाज यही है, मैं तो शॉक ट्रीटमेंट के जरिए उसकी पुरानी यादें मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अजय की जो केस हिस्ट्री है, मैं सोच रहा था अगर एक लड़की होती तो। लड़की? हाँ, जो उसका ख्याल रखेगी, जो उसकी सेवा करेगी। लेकिन ऐसी लड़की मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर? और फिर एक पागल की सेवा करने के लिए कोई क्यों राजी नहीं होगी? When there is a will, there is a way। आप लोग कोशिश कीजिए ना, जरूर मिल जाएगी। मैं चलता हूँ भाभी जी, नमस्ते। भाभी आप रो क्यों रही हैं? डॉक्टर ने तो ठीक ही कहा है, लेकिन अजय की जो हालत है उसे लड़की देगा कौन? ओहो, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और क्या रास्ता निकलेगा? ओफो भाभी, अजय बचपन से पागल नहीं है, उसके साथ दुर्घटना हुई है। डॉक्टर ने जब कहा है तो जरूर ठीक हो जाएगा, और फिर लड़की ढूंढने में बुराई क्या है? अब मैं चलता हूँ भाभी, गीता कॉलेज से लौटकर मेरा इंतजार करेगी, मैं अभी जाता हूँ। गीता के साथ अगर अजय की शादी हो तो इसमें क्या बुराई है? सुदामा भैया तो अजय के बारे में सब कुछ जानते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है अजय की शादी हो गई तो वो ठीक हो जाएगा, अजय फिर पहले की तरह हो जाएगा। अजय ठीक हो जाएगा, अजय ठीक हो जाएगा, अजय ठीक हो जाएगा, अजय ठीक हो जाएगा, अजय ठीक हो जाएगा। सुनो, क्या हुआ? तुम कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी सुदामा भैया की बेटी गीता के साथ अपने अजय की शादी। मैं भी ठीक यही बात सोच रहा था, लेकिन सुदामा क्या? ओहो, तुम बोलकर ही देखो ना क्या होता है। ये तू क्या कह रहा है? तूने सोच कैसे लिया कि मैं इस बात को मान जाऊंगा? मैं कैसे जानबूझकर अपनी बेटी को एक पागल के हाथ में सौंप दूंगा? सुदाम, तू मेरी बात का बुरा मत मानना कृष्णा, ये कहने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं एक साधारण सा क्लर्क हूँ, तेरे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी होने के बाद मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन गीता का सर्वनाश हो जाएगा। उसके सुंदर भविष्य को बर्बाद करने का हक मुझे नहीं। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरी बेटी अजय के लिए, उसकी भलाई के लिए मैं तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ, तू क्या मुझ पर इतना सा एहसान नहीं कर सकता? आज तू अगर मेरी जगह पर रहता तो तू अपनी बेटी की शादी किसी पागल के साथ करवाता? तू क्या अजय को गैर समझ रहा है? अजय तेरा बेटा नहीं है, दोस्त के हिसाब से तुझसे इतनी सी फरमाइश करना मेरा अधिकार नहीं है। मुझे तू गलत मत समझ कृष्णा, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं मान सकता, मेरे लिए असंभव है। मान नहीं सकता तो तूने वादा क्यों किया था? क्यों तूने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करने की कसम ली थी? आज मेरा बेटा पागल हो गया तो तू माता रानी के सामने ली हुई अपनी कसम भूल गया? कृष्णा, लक्ष्मी गीता का जन्म देने के बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई। उस दिन तुमने गीता को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। तुम और शांति भाभी थे, इसलिए मेरी बेटी बच गई। तुम्हारे इस कर्ज को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। सुदामा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ कृष्णा, गीता को तुम लोगों ने एक नई जिंदगी दी है। आज से सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम लोगों की बहू रानी है। मैं माता रानी के सामने कसम खाकर कहता हूँ, अजय के साथ गीता की शादी जरूर करवाऊंगा। मुझे तू माफ कर दे कृष्णा, मैं जो गलती करने जा रहा था, ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करता। सुदामा, सिर्फ मैं ही नहीं कृष्णा, इस दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों से किए गए वादों को भूल जाते हैं, सही गलत कुछ नहीं समझना चाहते। हाँ कृष्णा, गीता तेरी बेटी है, तुम्हारी बहू रानी, उसे तुम्हारे घर जाने से मैं रोकने वाला कौन हूँ? सुदामा
पापा पापा हा? इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, क्या बात है पापा, इतना क्या सोच रहे हैं? बताएंगे नहीं? ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं बेटी, सब ठीक है। क्या ठीक है? आप सभी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को बेवकूफ आप नहीं बना सकते। देखकर ही लग रहा है कि जरूर कोई बात है। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए ना पापा, बताइए ना। मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूँ बेटी। आज अगर तेरी माँ होती तो मुझे फैसला लेने में मदद मिलती। पापा, माँ कहना तो दूर, माँ कैसी थी ये भी नहीं पता। आप मेरे लिए माँ बाप सब कुछ हैं। बताइए ना पापा, क्या हुआ है? मैंने तुझसे बिना पूछे तेरी शादी तय कर दी बेटी। शादी? मेरी शादी? हाँ गीता, तुम लड़की हो बेटी, आज नहीं तो कल पराए घर जाना ही होगा। लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तू जिस घर में बहू बनकर जाएगी वहाँ तेरी पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं करेगा बेटी। आपने मुझसे बिना पूछे मेरी मर्जी के बगैर किसी भी अरे गहरे के साथ मेरी? अरे गहरे के साथ नहीं बेटी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री कृष्ण चौधरी, मतलब मेरे दोस्त के बेटे के साथ। पापा। हाँ बेटी, दरअसल उन लोगों का प्रस्ताव मैं ठुकरा नहीं पाया, लेकिन बेटी। पापा। गीता सुन बेटी। ए, जानते हो तुम्हारा और मेरा मिलन होने का फरमान जारी हो चुका है। मस्ताना आओ
दोनों मिलके लिखे दोनों प्यार का अफसाना, आओ प्यार में डूबे मरे। चले दोनों प्यार करे, क्यों दुनिया से डरे, संग संग जिए मरे, क्यों दुनिया से डरे। हे प्यार किया है प्यार करेंगे तुझसे सनम। मंगलम भगवान स्वाहा, मंगलम गरुड़ गद्दुजा, मंगलम पुनरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ गद्दुजा, मंगलम पुनरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अजय शांत हो जाओ। अजय पापा, ये आपने क्या किया पापा? मेरे सारे सपने भविष्य आपने जलाकर राख कर दिए पापा। गीता, मैं क्या आपके लिए इतना बड़ा बोझ थी कि आखिर में आपने मेरी शादी एक पागल के साथ करवा दी पापा? यही अगर आपके मन में था तो जन्म लेते ही आपने मुझे गला घोटकर मार क्यों नहीं दिया? मैं उस पागल के साथ अपना घर नहीं बसा सकती, घर नहीं बसा सकती पापा। आप मुझे जहर दे के मार डालिए, नहीं तो मुझे काट के नदी में फेंक दीजिए, तो फिर आपको अपनी बेटी के दुख तकलीफ कुछ नहीं देखने होंगे और मुझे भी रोज दिल दिल करके मरना नहीं होगा। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत, मेरे अंदर भी एक बाप का दिल है, वो भी तेरी तरह रो रहा है, उसे भी दुख हो रहा है, लेकिन 15 साल पहले किए गए वादे ने तेरी जिंदगी की किस्मत की रेखा को एक पल में बदल दिया बेटी। हाँ बेटी, तुझे जन्म देने के बाद ही तेरी माँ परलोक सिधार गई,
तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त श्री कृष्ण और शांति भाभी ने तुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। इसीलिए बेटी, मैंने माता रानी के सामने हाथ जोड़कर वादा किया था, तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं उनकी बहू भी है। अब तू ही बता बेटी, मैं कैसे उनका प्रस्ताव ठुकरा कर माता रानी की नजरों में अपराधी बनता, वादा पूरा ना करता तो मैं पाप का भागीदार ही बनता बेटी। पापा। इसके अलावा उस दिन जब मैं तुझे शादी के बारे में बता रहा था, तब अजय के पागलपन के बारे में मैं तुझे कहने ही वाला था, लेकिन तू बिना सुने ही चली गई, मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई। बहती हुई नदी और गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता बेटी। हाँ बेटी, सारे देवताओं को साक्षी मानकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंत्र पढ़कर तू अजय की हो गई है बेटी, वही तेरा हमेशा के लिए पति परमेश्वर है। पापा। उंगली पकड़ के मेरी चलना मुझे सिखाया, बाहों में लेके अपनी झूला मुझे झुलाया, दूर की आंखों तूने मुझे पराए हुए अपने, तेरी विदाई मनो है तेरी विदाई, समझो ना पराई मनो रे, तेरी विदाई मनो है तेरी विदाई, समझो ना पराई मनो रे। शादी के बाद रो क्यों रही हो बहू? मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। बेटे की शादी होने पर माँ कितनी खुशी खुशी अपने बेटे बहू को घर में लाती है, और मैं सिर्फ बहू की आरती उतार रही हूँ। जानती हो बहू, तुम्हारे पैरिस घर में पड़ने पर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इस घर में और कोई दुख नहीं रहेगा। जाओ आइए भाभी।
कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? चलिया चलिया जा 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 छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा? भाभी क्या हुआ? मोरानी उन्होंने उन्होंने मेरा गला दबा दिया था। क्या अरे बेटी वो तो सो गया है, तुम्हारा गला किसने दबाया? बहुरानी उनको डॉक्टर साहब ने नींद का इंजेक्शन दिया है। माँ भाभी शायद डर गई होंगी। तुम डर गई हो बेटा? तुम इस कमरे में मत सो, जाओ सामने वाले कमरे में सो जाओ। रामू बहुरानी के लिए उस कमरे में बिस्तर लगा दे। तो देखो बेटी अजय के कमरे में अकेली मत आना, रामू या सीमा को साथ में लेकर आना। हाँ सीमा भाभी को लेकर जाओ। चलिए भाभी जाओ बेटी। सौभाग्यवती हो बेटी। रामू शांति कहाँ रहते हैं आजकल? क्या हुआ है साहब? क्या आज चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी? अरे नहीं साहब, आज से ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। देखा तो आपने। अच्छा अच्छा जीती रहो जीती रहो। मेरे घर की लक्ष्मी हो तू। क्यों शांति आज घर के कामों से तुम्हारी छुट्टी है क्या? ऐसी बहू बड़ी किस्मत से मिलती है, मुझे कोई काम करने दे रही है? सुबह से सारा काम वही कर रही है। जानते हैं हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अरे नहीं नहीं काका क्या हुआ है? बहुरानी ये चाय की ट्रे मुझे दे दीजिए। लेकिन बेटी तुम? रामू काका उनकी सेवा करने के लिए इस घर में मैं बहू बन के आई हूँ, आज नहीं तो कल मुझे उनके सामने जाना ही होगा। दीजिए। हाँ वो तो ठीक है, ये लो। कवि अनंत बंदोपाध्याय, युवा कवि अजय चौधरी को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया। अरे 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 कवि सम्राट उपेंद्र भंज आपको कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि ये रहे कविवर राधानाथ राय। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि अरे आज तो कविता पाठ होगा। हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। दोस्तों आज इस कविता पाठ के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे विशिष्ट कवि श्री 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 युक्त गोपबंधु दास। अरे अरे ये देखिए गोपबंधु दास आ गए हैं आ गए हैं। प्रणाम प्रणाम कवि प्रणाम। आइए आइए हाथ छोड़ो। आइए आइए आसन ग्रहण कीजिए। ताली ताली ताली। अब हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट कवि श्रीयुक्त दास अपनी कविता पाठ करेंगे। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो वाक मिचोली करके मुस्कुरा रही थी। वाह वाह चमत्कार चमत्कार बहुत बढ़िया कवि श्रीयुक्त दास। वाह 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 वाह। अब युवा कवि श्रीयुक्त अजय चौधरी अपनी लिखी हुई कविता पढ़कर सुनाएंगे। सोचता हूं मैं अक्सर क्या यही जिंदगी है, सब कुछ तो पास है पर तुम्हारे बिना इस दिल को सिर्फ तुम्हारी आस है।
कौन है तू? कौन है तू? चली जा, चली जा। देख नहीं रही है? यहाँ कविता पाठ हो रहा है, जा चली जा यहाँ से, जा। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ है? अजय ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू जरूर ऊपर अकेली गई थी। कितनी बार कहा है कि ऊपर अकेले मत जाना, रामू को या सीमा को साथ में लेकर जाना। हेलो, कौन? अमर? अमर कैसे हो? अच्छा अमर, तुम शादी में क्यों नहीं आए? मुझे दो ना। ओहो, अच्छा अच्छा, तुम्हारी भाभी जानते हो, बिल्कुल लक्ष्मी है लक्ष्मी। दो ना। तुम्हें आते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी भाभी को तुम्हारी तरफ से नमस्ते कह दो। हाँ हाँ, दो ना फोन मुझे। हेलो अमर, हाँ हम लोग ठीक हैं। तू कब आएगा रे? मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। कौन? भैया? अच्छे हैं। हाँ क्या, भाभी के आने से? तू शादी में क्यों नहीं आया? हाँ अच्छा, बीच बीच में फोन करना, अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? अच्छा। यहीं कहीं पे चंपा का घर है। चंपा उमर डाले, चंपा उमर डाले। नहीं, ऐसे गाना गाने से चंपा थोड़ी बाहर आएगी। एग्जैक्ट घर कहाँ पे है ये पहले पता लगाना होगा। चंपा ने बताया था एक छोटी सी दुकान, और उसके सामने एक सांड बंधा होगा, ठीक उसके सामने वाली गली में। हाँ ये रहा, पहुंच गया। ए भैया जरा सुनिए। तुम कौन हो? मैं पंचानंद मोहंती। तुम क्या करते हो? मैं एक पीए हूँ। कहाँ का? कला भवन में। नाटक कला? नहीं, रंगमंच कला। सिर्फ रंगमंच में नहीं, मंच, रेडियो, टीवी, सिनेमा, मैं सब में हूँ। तुम्हें टीवी हुआ है? मुझे टीवी क्यों होगा? खांसने से खून आता? अरे है? कैसा खून, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, मतलब दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ। ओ, तुम्हें दूर का दिखाई देता है, तो नजदीक का क्या होता है? आज मैं मर गया। आज ही मरे हो या मरोगे? अरे मर गया मतलब खत्म। ओह, तब तो मुझे ही जलाना होगा। अरे मुझे जाने दो भैया। मुझे क्यों भैया बोल रहे हो? विश्वास कीजिए मैं शरीफ हूँ। अच्छा, तुम शरीफ हुए कैसे? हा? तुम हाफ गंजे के हो? अरे मुझे नहीं पता। तुम्हारे पिता भी गंजे थे, दादाजी भी गंजे थे, या परिवार में सभी गंजे हैं? गंजे होने का फायदा तुम्हें पता है क्या? हे प्रभु। बहुरानी, रात को भूखा नहीं रहते हैं, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं रामू काका, मुझे भूख नहीं है। आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछिए बहुरानी। आपके अजय साहब पागल कैसे हो गए? वो बहुत दुख की बात है बहुरानी। अजय साहब जैसे बुद्धिमान वैसे पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। कविता लिखना उनका शौक था। अजय साहब की कुछ किताबें भी छपी थी। मैंने वो किताबें पढ़ी है रामू काका, लेकिन उनकी ये हालत हुई कैसे? इन सब का कारण है वो साला शैतान विक्रम। विक्रम? हाँ बहुरानी, विक्रम चतुर्वेदी। इस शहर में उसका एक बहुत बड़ा होटल है। गैर कानूनी धंधे के अलावा एक दारू की दुकान का मालिक है वो, और उसकी गंदी नजर पड़ी मीता दी पर। मीता दीदी? ये मीता कौन है? बचपन में ही मीता दीदी के माँ बाप मर गए थे। उनका मामा बहुत बड़ा ब्योड़ा था, वही उनकी देखभाल करता था। जानती हो बहुरानी, उनका मामा ही असली मुसीबत की जड़ है। लेकिन आपके अजय साहब? हाँ बहुरानी, अजय साहब मीता दीदी से बहुत प्यार करते थे।
कभी दूर न जाना कहीं, वादा करके भूल न जाना कभी। चाहे मिले सुख चाहे मिले गम, यूं ही साथ साथ रहेंगे सनम हम तुम जन्म जन्म। जो सपने हुए आज पूरे अपने, अब तो सनम तेरे हुए हम, प्यार अब होगा ना कम। हमने देखे जो सपने हुए आज पूरे अपने, मिले सुख चाहे मिले गम, यूं ही साथ साथ रहेंगे सनम हम तुम जन्म जन्म। साथ साथ रहेंगे सनम हम तुम जन्म जन्म, हम तुम जन्म जन्म, हम तुम जन्म जन्म। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। नायक को तिल तिल करके खत्म करने वाला मैं ही हूं वो खलनायक। मैं तुझे फिनिश कर दूंगा अजय चौधरी, फिनिश। आ? क्या रुपया? इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए इतने पैसे?
इतने सारे पैसे मैंने एक साथ जीवन में नहीं देखे। सब तुम्हारे हैं। मेरे? हाँ। इतने सारे पैसे मेरे? लेकिन एक शर्त पे। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल तैयार हूँ। आपकी सारी शर्तें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप अगर कहे तो मैं अपनी जमीन जायदाद आपके नाम कर दूँ, या कहे तो मैं अपनी भांजी को आपके साथ भेज दूँ। मीता ही मुझे चाहिए, मीता को अपनी रानी बनाऊंगा मैं। वाह वाह, बैठिए बैठिए। मतलब इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम चतुर्वेदी बनेंगे? बटकलाल प्रसाद के जवाई, मजा आ गया, बहुत मजा आया। अरे वाह, मुझे दारू पीने के लिए किसी के सामने अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो साहब बन गया साला, मैं तो साहब बन गया। हाँ, तो मैं कह रहा था आप दोनों की शादी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्या बोली हरमजादी, शादी नहीं करेगी? तू शादी कैसे नहीं करेगी, तेरा बाप भी करेगा। हरमजादी, विक्रम साहब से ही तुझे शादी करनी पड़ेगी। चल, चल। आप मुझे जितना चाहे मारिए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप। अरे साली, मेरी बात नहीं मानेगी। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मार के चुप कर दूंगा। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्यों क्यों मार रहे हो? अभी आपको पता नहीं है विक्रम साहब, घर में बंद करके ताला लगा के रखने से तो इसकी अकल निकल आएगी। रुको। अरे चल चल। अरे अरे चल। अरे रुको, मैं कहता हूँ। अरे चल 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 चल। मामा दरवाजा खोलिए, मामा दरवाजा खोलिए ना। दामाद जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। अब चट मंगनी पट ब्याह। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, वक्रतुंड पंडित। जल्दी से मंत्र पढ़ो। अजय भैया, क्या हुआ मुन्ना? अजय भैया, मीता दीदी का वो मामा जबरदस्ती उनकी शादी विक्रम बाबू से करवा रहा है। वो जो एमजी रोड है ना, वहीं पे एक डाक बंगले में। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु। मीता, मैं आ गया हूँ मीता, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा मीता। मंगलम गणेश। अजय, बचा अजय, मुझे शादी नहीं करनी अजय। अरे मारो उसे, मारो, तू मेरे साथ चल। चलो, मेरी मीता को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। मीता 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 मीता।
मीता, मीता दरवाजा खोलो, मीता दरवाजा खोलो, मीता, मीता, मीता दरवाजा खोलो, मीता दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं, नहीं मीता, नहीं, नहीं, नहीं मीता, नहीं, नहीं, ऐसा मत करना मीता। मुझे तुम भूल जाओ। नहीं, नहीं मीता, नहीं। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नहीं मीता, नहीं। मुझे तुम भूल जाओ। नहीं, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे तुम भूल जाओ अजय। नहीं मीता, नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मीता, बहुरानी, उस काली रात के बाद अजय साहब के जीवन में कभी सवेरा नहीं आया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, पर सवेरा क्यों नहीं होता? बहुरानी, हाँ? खा लीजिए। नहीं रामू काका, मुझे भूख नहीं है, अब खाकर सो जाइए। हाँ, जैसा आप कहें। जहां में यूं तो होने का बहुत कुछ होता रहता है, मैं जैसा सोचता हूं कुछ भी वैसा क्यों नहीं होता है? तुम अच्छा क्यों नहीं करती, मैं अच्छा क्यों नहीं होता? जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेगा संबंध अंतर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में तारीफ तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कौन हो तुम? कवि की कविता है ना कवि साहब? हे बदमाश लड़की, सच बता तू कौन है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, कह रहा हूं मैं। कवि महाशय, मेरा नाम क्या आपके मन से आपने मिटा दिया है? बोलिए, आप क्या अभी तक अपनी मीता को भूल पाए हैं? मीता? हाँ, मैं आपकी मीता, आपके जीवन साथी, आपकी कविता। तुम तो मर गई थी, फिर लौट कैसे आई? आना ही पड़ा, अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए। हा? तो फिर मर क्यों गई थी? हमारे प्यार को अमर करने के लिए। हाँ, हाँ। लेकिन तुमसे तो उसने शादी कर ली थी। हाँ, कोशिश की थी उसने, हाँ? जबरदस्ती करके, हाँ? लेकिन मैं आपके पास वापस आ गई, और अब कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। हम तुम में लिखते हैं, तुम पढ़ पाओगे क्या हर जगह? तुम्हारी बात करते हैं, तुम सुन पाओगे क्या? तुम सुन पाओगे क्या? मीता? मीता नहीं, गीता। वो नाम मुझे अब पसंद नहीं आता, इसीलिए मैंने नाम बदल लिया है, अब मेरा नाम गीता है। गीता, गीता, मेरे सपनों की रानी। सपनों की रानी गीता, इसीलिए तो मुझे अकेले छोड़कर यहाँ आ गए थे। तुम बहुत निर्दयी हो, बहुत निर्दयी। मेरी गीता, मेरी गीता, मेरी गीता को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़िए, नहीं, नहीं। ये सफर जो शुरू हुआ है, खत्म हो भी तो कैसे?
हर मोड़ पे तुम्हें ही ढूंढता हूँ, तुम्हें ही मैं तलाशता हूँ। छोड़ी, छोड़ी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खुला है, मैं बंद करके आऊँ। ए, ए, ए गीता, ए गीता, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गीता। ए, ए, ए गीता, ए गीता, दरवाजा खोलो। गीता, 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 दरवाजा खोल दो। कवि महाशय, चिल्लाइए मत, डरिए मत, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ अजय साहब, आके नाश्ता कर लीजिए। तू कौन है, यहाँ क्यों आया है, मेरी गीता कहाँ है? जा जा, चला जा, जा यहाँ से, जा। अजय साहब, ये आपने क्या किया? मुझे मार रहे थे, मार रहे थे, लेकिन अजय साहब आपने बहू रानी को क्यों मारा? तुझे तो मैं मारिए और मारिए, ये लीजिए, इससे मारिए, इतना मारिए कि हमारे बीच अब कभी ना बोले ये। अरे अजीब बात है तो हा? मैं इनकी बीवी हूँ, ये मुझे मारे या कुछ भी करे, आपको क्या लेना देना? क्या खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे रामू काका? जाइए, पति पत्नी की बात है, हम देख लेंगे। बड़े आए टांग अड़ाने। आहा, मुझे चोट लगी है तो आपको उससे क्या, आप क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी फेंक दीजिए, ये भी फेंक दीजिए, सब फेंक दीजिए, सब फेंक दीजिए। रहने दीजिए, दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आह, कितने सुंदर लग रहे हैं आप, पैजामा ठीक कीजिए, वो गद्दा भी उठाइए, ठीक से बिछाइए, वो चादर भी दीजिए। क्या हुआ? जल्दी जल्दी कीजिए, अब वो टेबल सजाइए। वो फोटो सीधी कीजिए, अब चेयर टेबल को भी ठीक से रखिए। आइए नाश्ता कीजिए, बैठिए बैठिए। आइए बैठिए। लीजिए, आ आ आ, आ। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो भैया, ट्रेनिंग हो गई है, तू आ रहा है? ठीक है, तेरे लिए स्टेशन में गाड़ी भेज दूंगी। मम्मी पापा मंदिर गए हैं, आएंगे तो बता दूंगी। हाँ रखती हूँ, ठीक है। किसने फोन किया था रे? अमर भैया ने फोन किया था। सचमुच? हाँ मम्मी। क्या कहा उसने? भैया कल ही लौट रहे हैं। सच? अच्छा? पता है भाभी, आप अजय भैया की इतनी सेवा कर रहे हैं, देख के ना अमर भैया बहुत खुश हो जाएंगे। गीता क्या सोच रही हो, अब क्या करोगी, अमर के आने पर उसका सामना कैसे करोगी?
क्या जवाब दोगी उसके सवालों का? मुझे नहीं पता, जो तुम्हारा प्यार था, तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारे सपनों का राजकुमार आज तुम्हारा देवर है, उसे क्या जवाब दोगी? बोल तो रही हूँ नहीं पता। पता नहीं कहने से कुछ नहीं होगा, जो सच है वो तुम कभी नहीं कह पाओगी। उसके आते ही जब उसे पता चलेगा तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है, तब क्या होगा? नहीं, मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, इसमें मेरा दोष कहाँ है? ये तो मेरे भाग्य में लिखा था, मेरी गलती कहाँ है? मेरी गलती कहाँ है? अच्छा रघु जी साहब, भाभी दिखने में कैसी है? रे साक्षात लक्ष्मी जी जैसी। अरे भाभी किसकी है? अरे आपकी। तू देखना, मैं भाभी के लिए ऐसा गिफ्ट लाया हूँ, भाभी देखते एकदम शॉक्ड हो जाएगी। हेलो। सलाम साहब। हर कहानी का एक नायक होता है, एक होता है खलनायक। मैं हूं इस कहानी का खलनायक। हौसलर खुशांति, अब कैसा है डॉक्टर? आप लोग घबराइए मत, उनका इलाज चल रहा है। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर साहब? फिलहाल तो खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी आंखों में काफी चोट आई है। हो सकता है उनकी आंखों की रोशनी चली। डॉक्टर, रोशनी चली जाएगी मतलब वो कभी देख नहीं पाएगा? मेरा अमर अंधा हो जाएगा। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? बड़ा बेटा पागल और छोटा बेटा अंधा, अब बच्ची होंगे किसके सहारे? नहीं नहीं, आप घबराइए मत मिसेस चौधरी, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सक्सेना अमेरिका गए हुए हैं। अमर जी अगर देख नहीं पाते हैं तो डॉक्टर साहब के लौटते ही हम उनकी आंखों का ऑपरेशन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है वो फिर से सब देख पाएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, डोंट वरी। है माँ, माँ क्या हुआ? अमर कैसा है? माँ, सीमा, अमर कैसा है? बोलो। पापा, आप लोग कोई कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है पापा? पिछले जन्म में कोई पाप किया था बेटी, इसीलिए इस जन्म में उसकी सजा मिल रही है। बड़ा बेटा तो पागल है और अब छोटा बेटा भी अंधा हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है अमर अब कभी देख नहीं पाएगा। अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे डर नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। अच्छा जरा सुनिएगा, हैं? यहाँ कैसे जाना है थोड़ा बताइए ना। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ओहो, अब किससे पूछूं मैं? अच्छा देखता हूँ। अरे भाई सुनिए ना, हाँ? ये पता जरा मुझे बताइए ना। हाँ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ये पकड़िए, मैं यहाँ पे नया हूँ ना, वो जो आदमी आ रहा है आप जाके उससे पूछिए। अच्छा। जाइए भाई सुनिए। तुम कौन हो? श्याम बाबू। खुद ब खुद बाबू कैसे बन गए? जी नहीं, लोग मुझे बाबू कहते हैं। वो लोग झूठ मूठ बोलते हैं। हाँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अजी ये पता पूछना था। हाँ? तुम क्या डकैत हो? हाँ?
जी नहीं, मंटू बाबू का घर खाली था तो। मंटू दास, मंटू पांडे, मंटू दुबे, मंटू चौबे या मंटू तिवारी? अरे मुझे सिर्फ मंटू बाबू ही पता है। अच्छा अच्छा, भाड़े के लिए चाहिए, ऑफिस बनानी जी है? नहीं, परिवार के साथ रहूंगा। बच्चे कितने हैं? जी चार। फैमिली प्लानिंग की जी है? नहीं। तुम बुद्धू या गधे हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें झाड़ू से नहीं मारती? तुमसे तलाक नहीं मांग रही है? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला अब तक? हे प्रभु, माँ, माँ, अमर, माँ, तुम रो क्यों रही हो माँ? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आंखों से देख नहीं पा रहा तो क्या हुआ? मन की आंखों से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो बोलो तो भांजे, तुम्हारी भाभी कहाँ पे है इस वक्त? भाभी को तो मैंने कभी देखा नहीं है, फिर मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? ये रही, भाभी तो सामने ही खड़ी है। भाभी, अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे डर नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो? मैं भले ही आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन आप तो देख सकती है ना, आप क्यों नहीं कुछ कह रही? अमर, तुमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी भगवान ने तुम्हें ऐसी सजा दी। मेरा दिल कहता है तुम्हारी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। भाभी, आपकी... मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो, मैं बाहर आऊंगा। ये भैया की आवाज है ना? हाँ। भैया आप कैसे हैं माँ? अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। भाभी ख्याल रखती है ना भैया का? हाँ, वो आने के बाद से ही उसकी सेवा किए जा रही है, वो इस घर की बहू नहीं बेटी है। भैया की शादी में ना आ सका इसका बहुत दुख है मुझे माँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भैया को इतनी अच्छी पत्नी मिली है, वरना ऐसी हालत में मैं भैया का कैसे ख्याल रखता। चलो अमर, चलो खाना खा लो। हाँ भाभी। हाँ, एक संभल के। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बैठो। एक बात पूछ सकता हूँ? बुरा नहीं मानेंगी ना? बुरा क्यों मानूंगी, पूछो ना। बात ऐसी है कि आपकी आवाज बहुत जानी पहचानी है। मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, सुना सुना तो लगेगा ही ना। हाँ हाँ, जानती है भाभी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम गीता है, और कोइंसिडेंटली उसकी आवाज भी आपकी आवाज की तरह मीठी है। क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ नहीं। आपने कुछ कहा नहीं, जैसी मेरी आंखें ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं आपको गीता से जरूर मिलवाऊंगा। आपने एक बार हाँ कर दी, उसके बाद मम्मी पापा क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं। भाभी, 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 देख तुझे भाई आए लेना, यादे भुलाई क्यों जाएना, देख तुझे भाई आए लेना, यादे भुलाई क्यों जाएना, अब रहना यहीं पे मुझे, मरना यहीं पे मुझे, यहीं पे है सब सहना,
डॉक्टर सक्सेना अमेरिका से लौट आए हैं मिस्टर चौधरी। यानी अमर की आंख के ऑपरेशन के लिए आपने जिनकी बात की थी। हाँ, अब घबराइए मत मिस्टर चौधरी, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अगले हफ्ते ही अमर की आंखों का ऑपरेशन होगा। डोंट वरी मिस्टर चौधरी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आप लोग घर जा सकते हैं। 7 दिन के बाद बैंडेज खोली जाएगी, अमर सब देख पाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल राइट। सुनो अमर, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना, इसी तरह बंद रखना। अच्छा अमर, आंखें खुलने के बाद तुम सबसे पहले किसको देखना चाहोगे? फैमिली में तो मैं सबको पहचानता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में एक नई मेंबर आई है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, वो मेरी भाभी है। अच्छा अमर की भाभी कौन है? जाओ बहू, जाइए भाभी, जाइए। आइए, ठीक अमर के सामने खड़े हो जाइए। अमर, अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। हाँ खोलो, धीरे धीरे खोलो। हाँ, दिखाई दे रहा है? अच्छा अमर, अब तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ डॉक्टर साहब, साफ साफ दिखाई दे रहा है। खत्म। ए, ड्रिंक दो। बार बंद हो गया है सर। हाँ? बंद हो गया? बार खोल के दारू लाके तो। मुझे अगर शराब नहीं मिली तो बार को तोड़ फोड़ के रख दूंगा मैं। शराब लाके दो। मालिक ने शराब देने से मना किया है। मालिक ने मना किया? कौन है मालिक? बुलाओ अपने मालिक को। अरे बुलाओ मालिक को। मालिक आके बार खोल के मुझे शराब देगा, वरना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं आज। हेलो अमर। हेलो विक्रम। क्या बात है अमर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो विक्रम, ये कह रहा है कि मुझे ड्रिंक्स नहीं देगा। देखता हूँ तुम्हें ड्रिंक्स कौन नहीं देता। तुम अपने पैसे की पी रहे हो। ए, जाकर इम्पोर्टेड स्कॉच लाओ। That's like a good friend. लेकिन एक शर्त पे, ये सारा बिल मैं पे करूंगा। But why? तुम बिल क्यों पे करोगे? क्योंकि हम दोस्त हैं, इसलिए। अरे भाई, दोस्ती निभाने का एक मौका तो दो। Okay. I agree. Cheers. विक्रम, ड्रिंक्स। अमर बहुत पीछे को, अब बस करो, घर जाओ। नो प्लीज लीव मी अलोन, मैं और दारू पीऊंगा। आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू फॉरगेट हर। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, सब कुछ। मैं आज तक एक परछाई के पीछे भाग रहा था, सिर्फ एक परछाई के पीछे। परछाई विक्रम। मैं जानता हूँ अमर, तुम किसकी बात कर रहे हो और किसने तुम्हें धोखा दिया। You know her? कांच के टुकड़े को तुमने हीरा समझ लिया और जंगली फूल को गुलाब, लेकिन गीता वैसी लड़की नहीं है। विक्रम, बहुत सारे मर्दों के साथ खेला है उसने, वो प्यार और मोहब्बत क्या है नहीं जानती। गीता ने मेरे साथ भी खेला है। What do you mean? I mean it my friend, I mean it. मैं सच कर रहा हूँ, गीता ने मुझे धोखा दिया है और उसके साथ तुम्हें भी। You are right my friend, you are right. इंसान इतना नीचे गिर सकता है, उसका सबूत गीता है। यह मुझे नहीं पता था, हर गीता हिंदू धर्म की पवित्र गीता नहीं होती। ओके माय फ्रेंड, बाय। थैंक्स दोस्त, थैंक्स फॉर ऑल योर ड्रिंक्स। मैं सब भूल चुका हूँ,
मैं सब भूल चुका हूँ। I have forgotten that bloody cheat. Okay, bye. हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। इस कहानी का मैं हूं खलनायक। रिंग मास्टर की तरह नचा के कैसे नायक नायिका को फिनिश किया जाता है वो खेल ये खलनायक जानता है। अमर, तुमने शराब पी है? हाँ मैंने शराब पी है। हाँ पी है शराब शराब। मुझसे पूछने वाली तुम कौन हो? हाँ लेकिन तुम्हें तो शराब से नफरत थी। हाँ मैं जिससे प्यार करता था उससे नफरत करता हूँ और जिससे नफरत करता था उससे प्यार करने लगा हूँ। अमर डोंट अटर माय नेम। मेरा नाम तुम्हारे जुबान पे शोभा नहीं देता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश। डोंट टच मी। डोंट। क्या समझने का ठेका मैंने ही ले रखा है? लेकिन मैं तुम्हारी भाभी। तुम मेरी कोई नहीं लगती। तुम श्री कृष्ण चौधरी की बहू हो सकती हो, अजय चौधरी की बीवी हो सकती हो, लेकिन तुम मेरी कोई नहीं हो। कोई नहीं हो। अमर बोलो क्यों तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? क्यों इतने दिनों से मेरे से प्यार मोहब्बत का नाटक किया? प्लीज ऐसे मत कहो। नहीं कहूं। क्यों नहीं कहूंगा? कुछ दिनों के ट्रेनिंग के अंदर तुमने शादी कर ली और मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की? ये सब एक हादसा था। कैसे हो गया मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुमसे और कुछ सुनना नहीं चाहता। तुमने मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे प्यार के सपनों को जला के राख कर दिया। I hate you, I hate you, I hate you. आज तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है और अब तुम मेरी नफरत देखोगी। इतनी नफरत करूंगा कि तुम जीते जीते तड़प के मर जाओगी। हाँ यस। मेरी बात सुनो अमर। किस मजबूरी में पड़ के मुझे एक पागल के साथ शादी करके घर बसाना पड़ा। सुनते जाओ अमर मेरी बात सुनते। बहू रानी मैंने जो सुना वो क्या सच है? हाँ रामू काका सब सच है। मैं आज जीवन के ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, मरने की राह भी खुली नहीं है। बहू रानी, रामू काका, आप मेरी कसम खाइए, ये बात आपके अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। हेलो सीमा, तुम यहाँ? क्यों चौंक गई ना? लेकिन अचानक तुम यहाँ? यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ सीमा। चुंबक का काम है लोहे को खींचना, वैसे ही प्रेमी का धर्म है प्रेमिका के पास खींचे चले आना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अब तुम तक पहुँचने की सब लाइन क्लियर। मतलब वेरी सिंपल। मतलब तुम्हारा भाई अमर वो मेरा जिगरी दोस्त है। सच में? अब तुम्हारे घर के बाहर खड़े होके मुझे हॉर्न नहीं बजाना पड़ेगा। विक्रम जी शायद आप ये भूल गए हैं कि ये कोई पार्क या सिनेमा हॉल नहीं है, ये एक शरीफों का घर है। भाभी आपको पता है मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, फिर भी इसका अपमान करने का मतलब? मतलब तो बिल्कुल सीधा सा है सीमा। एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की चाहे महलों में पहुँच भी जाए लेकिन उसका असली चरित्र नहीं बदलता। चुप कीजिए और अभी इस घर से निकल जाइए। विक्रम खुद की मर्जी से आता है और खुद की मर्जी से जाता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। और वैसे आप नहीं जानती मिसेस गीता कि ये विक्रम इस घर का होने वाला दामाद है। क्या कहा? इस घर के दामाद बनेंगे आप? श्री कृष्ण चौधरी आईएएस ऑफिसर का दामाद बनेगा? एक स्मगलर चरित्रहीन थर्ड क्लास आदमी। भाभी चुप करो। सीमा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होने दूंगी। ये बात तो समय ही तय करेगा, लेकिन मेरी बात याद रखना गीता। सीमा और मेरे बीच दीवार बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। गेट आउट। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके मैडम बाय। लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। और हाँ सुनो सीमा, तुम्हारी भाभी का ये अपमान मैं याद रखूंगा। विक्रम सुनो, विक्रम भाभी ये आपने क्या किया?
आपने किस हक से विक्रम को जाने के लिए कहा? विक्रम अमर भैया के दोस्त है, आप कैसे उसको बेइज्जत कर सकती हैं? क्या हुआ सीमा, क्या हुआ है? पता है अमर भैया, विक्रम हमारे घर आया था, भाभी ने उल्टा सीधा कहकर उसका अपमान किया है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है। मैं जानना चाहता हूँ विक्रम को इस घर से निकालने वाले तुम कौन हो? एक शराबी चरित्रहीन इंसान का इस घर में आने का कोई अधिकार नहीं। यू शट अप। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मारो मुझे, क्या पता उससे ही तुम्हारे मन को शांति मिले। लो, पी लो। हे, तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रोऊंगी नहीं, क्या मैं इस घर की कोई नहीं हूँ? मेरा क्या मान सम्मान कुछ भी नहीं है। घर की बहू होने के नाते मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। बोलिए, आप ही बोलिए, ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए, उन्हें जाकर बोल आइए मैं आपकी पत्नी हूँ, जाइए। हाँ हाँ, तुम मेरी पत्नी हो? हाँ, किसने कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी। हाँ हाँ, आपसे कहकर भी क्या होगा? आप मेरी पत्नी। हाँ,
अकेले ही थे हम संसार में, क्यों आए तुम जीवन में, इसके भरोसे तुम छोड़ चले, अब रहेंगे हम किसके भरोसे। ओ दिल तोड़ के तुम कहाँ चल दिए, दिल तोड़ के तुम कहाँ चल दिए, कैसे रहूंगा तेरे बिन, प्यारे सिखा के गले से लगा के तोड़ दिया क्यों ये दिल। ओ तोड़ दिया क्यों ये दिल। तुम क्या मुझे सच में छोड़ के चली जाओगी? नहीं, कभी भी नहीं। कुछ समय के लिए मैं मतलब ही हो गई थी और भूल गई थी कि मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी। मुझे माफ कर दो, मैं आपको छोड़कर, इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दीदी दीदी, पूजा पाठ सब ठीक से हो गए? हाँ, ना हो गया। घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। पता है दीदी, मनोकामना पूरी करने के लिए तुमने जो व्रत रखा था, भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। अरे आखिर हुआ क्या है? अरे साहब, हुआ ये है। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे साहब, हुआ है कि? अरे तू ही बता ना। ओहो, इसमें बोलना क्या है, खुद चल कर देख लीजिए। अरे आइए आइए, चलिए ना साहब। आओ दीदी आओ। अरे बोलना क्या हुआ है, यहाँ क्यों लाया है? अरे जीजा जी, आपको हर चीज में हड़बड़ी रहती है, सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। दीदी बहुरानी को बुलाओ ना। रुक, बहुरानी बहुरानी। पापा, माँ, बहू। ठीक है ठीक है ठीक। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आप लोग कब आए? बस कुछ देर पहले। तुम लोग कैसे हो? सब ठीक है पापा। और अजय, अजय कैसा है? ठीक है। अजय सुनते हो, देखिए कौन आए हैं। अरे देख क्या रहे हैं, आइए मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए। मम्मी पापा को प्रणाम कीजिए। तुम प्रणाम करो। मैंने तो प्रणाम कर लिया। ठीक है, मैं भी प्रणाम करती हूँ, आप भी मेरे साथ प्रणाम कीजिए। खुश रहो खुश रहो। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू, तूने अजय की जिम्मेदारी लेके इस दुखी माँ का बोझ हल्का कर दिया है बेटा। अरे बापे, अरे क्या हुआ, क्या हुआ आपको, चिल्ला क्यों रहे? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे बाबा, मैं कहीं नहीं गई थी, सारे कपड़े भीग रहे थे तो वही लाने गई थी।
आप बैठिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में जाइए। ये क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाइए, मेरी बात सुनिए। जाइए अपने कमरे में, जाइए जाइए अपने कमरे में जाइए। देखिए, अरे आपको कहा ना अपने कमरे में जाने के लिए, छोड़िए मेरी बात सुनिए, जाइए मुझे छोड़िए, छोड़िए छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, जाइए छोड़िए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए। कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कौन विश्वास करेगा मेरा? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, चले जाइए। मैं जानवर हूँ, जानवर हूँ, गीता ने कहा है मैं जानवर हूँ। मैंने पाप किया है, पाप किया है मैंने, हाँ मैंने पाप किया है, पाप किया है, मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी, मैं पापी, 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 पापी हूँ, पापी हूँ, मैंने पाप किया है, पापी हूँ, मैं पापी। क्या कर रहे हैं आप? मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया। जाके साहब को बुलाता हूँ। मालकिन साहब। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो अजय साहब ने अपना सर मार मार तो खुद फोड़ लिया है। क्या कह रहे हैं तू? क्या हुआ क्या? वो मैं नहीं जानता। सुनो डॉक्टर दास को फोन करो। चल रमो, चले मालकिन। मैं पापी हूँ, मैं जानवर हूँ, गीता ने कहा मैं जानवर हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, रुक जाओ भैया, जाने दो, मैंने पाप किया है, नहीं नहीं मैंने मैंने पाप किया, मैं जानवर हूँ, गीता ने कहा मैं जानवर हूँ, मैं जानवर हूँ, मैंने पाप किया है, पाप किया मैंने, हाँ मुझे मार दो, मार दो, मैंने पाप किया, पाप किया, पाप किया, जानवर गीता। इसके सर पे गहरी चोट आई है, इसकी हालत काफी नाजुक है, इसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। कौन देखेगा? किसके पास इतना वक्त है? आज अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, कल कुछ और करेगा, किसी और को मार देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, इसे जितनी जल्दी हो सके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए। माँ नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेंटल हॉस्पिटल की जो हालत है वहां अच्छे लोग भी पागल हो जाते हैं। प्लीज डॉक्टर मेरे भैया को वहां मत भेजिए। क्या रे, तूने ही कहा था ना कि हॉस्पिटल में नहीं भेजना है, रात रात भर जागकर तूने ही तो उसकी सेवा की थी, और आज? आज और कल में बहुत फर्क होता है माँ। आज अगर भैया को कुछ हो जाए तो घर की क्या हालत होगी पता है आपको? हाँ मिस्टर चौधरी, अमर ठीक कह रहा है, अजय कंट्रोल के बाहर है। मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ डॉक्टर साहब। यस ले जा, ले जा मेरे अजय को, ले जाओ, ले जाओ पागल खाने में, ले जाओ मुझसे दूर, ले जाओ, ले जाओ उसको। गीता, 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 वो लोग अजय को पागल खाने ले जा रहे हैं, तू यहाँ चुपचाप क्यों बैठी है? जा, जा उसे रोक। गीता, तुझे क्या हुआ है? तू चुपचाप बैठी क्यों है? गीता, गीता, शांति, गीता, शांति। ओहो, इसे क्यों कह रही हो? ये बिचारी क्या कर सकती है? हाँ, सही कह रहे हो, ये क्या कर सकती है? शादी के बाद जब से इस घर में आई है, पति का सुख किसे कहते हैं इसे नहीं पता, और अजय,
वो तो एक पागल है, वो तो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, वो किसी का पति नहीं है, वो किसी का कोई भी नहीं है। मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो ले जाओ इसे, जबरदस्ती लेके जाओ इसे, उठा के लेके जाओ, ले जाओ, छोड़ दीजिए उन्हें। आप लोग जाइए, ये हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। भैया अगर यहाँ रहेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी है। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो इसे चोट कैसे लगी? आज सर फटा है, कल अगर इसकी जिंदगी चली जाए तो? अमर, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बताओ तो? ये तो मेरे पति हैं, मेरी मांग का सिंदूर। इस दुनिया में लड़कियों के लिए सुहाग से बढ़कर और क्या है? तुम लोग जाओ। सुनते हैं, आप अपने कमरे में जाइए। बहू रानी, तुमने मुझको एक बहुत बड़ी जहनी परेशानी से दूर कर दिया। हाँ बहू रानी, अगर आज वो हॉस्पिटल चले जाते तो पता नहीं मालकिन और साहब का क्या होता। अरे गीता, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मेरे मन की बात तूने जान ली। देखना बेटी, तेरे पुण्य का फल तुझे जरूर मिलेगा। वेलकम मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ अगर दिल में दर्द हो तो पांव अपने आप दोस्त की तरफ खींचे चले आते हैं। सेठ, तुम जानते हो ना अमर, दोस्त पास में हो तो खुशी दुगनी हो जाती है और गम आधा हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ दिल में दर्द क्यों होता है। प्रेमिका जब धोखा देती है तो दिल में दर्द होता है, और वही बेवफा प्रेमिका अगर हर वक्त आंखों के सामने हो तो फिर दुखम बात है। उस घर में मेरा रहने का एकदम भी मन नहीं विक्रम। डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे वो कहावत तो सुनी होगी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अरे विक्रम जब साथ में है तो एक से बढ़कर एक हसीनाओं की लाइन लगा देगा, और तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के की प्यार की कीमत क्या समझेगी एक लो ग्रेडेड लड़की गीता? रिलैक्स दोस्त, रिलैक्स। तुम्हारे मन की सारी तकलीफों को फिनिश करने के लिए मैंने अरेंजमेंट कर रखा है। जोले कुकुरे को।
ये लीजिए। क्या हुआ? कब तक ऐसे मुंह लटका के बैठे रहेंगे? मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि उस दिन कुछ बातें कह दी तो अब मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ नहीं कहा, कुछ भी तो नहीं कहा। मैं तुम्हें इन पापी नजरों से देख नहीं पाऊंगा। मैं पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया, कोई अन्याय भी नहीं किया। तुम ये कह रही हो? हाँ, मैं ही ये कह रही हूँ। मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखिए। मेरी आंखों में कोई नफरत है? आपके लिए कोई घृणा है क्या? देखिए, अच्छी तरह से देखिए। आप आखिर में जानवर बन गए। आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, मैं जानवर हूँ, जानवर हूँ, जानवर। मैंने पाप किया है, मेरे पाप हो गए। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए उसे। मैं जानवर हूँ, मैंने पाप किया है। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज अगर आपको कुछ हो गया, मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। मार डालो मुझे मार डालो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप ऐसे ही सोचते हैं तो आप मुझे मत देखिए। नहीं देखूंगा, तुम्हें नहीं देखूंगा तो फिर जीऊंगा कैसे? मैं तो मर जाऊंगा। क्या कर रहे हैं? सारा कसूर इन आंखों का है। इन्हें बंद कर देने से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सारा कसूर इन आंखों का है। ये क्या कर रहे? पापी नजरों से जो कुछ मैंने देखा था, मेरे मन की नजरों से वो सब कुछ देख पा रहा हूँ। आपका ये जो दिल है ना, गंगा जल की तरह पवित्र है। हेलो, कौन? विक्रम। सुनो सीमा, मैं आज मद्रास जा रहा हूँ बिजनेस के काम से। हाँ, 6-7 दिनों के लिए। तुम ही मेरे साथ चल रही हो, मैंने तुम्हारी टिकट ले ली है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। बोलो, घर में क्या बोलूंगी? ओह गॉड, वेरी सिंपल। घर पे स्टडी टूर या एक्सकर्शन में जा रही हूँ, बता देना। पहले बताते तो जा पाती, लेकिन अब नहीं विक्रम। तो फिर ठीक है, आज से ही हमारा रिश्ता खत्म।
बात समझने की कोशिश करो। तुमने जो कहा है मैंने वही किया है, लेकिन इस बार प्लीज। नो यू हैव टू कम डार्लिंग, वरना मैं समझूंगा यू डोंट लव मी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ मद्रास जाऊंगी। अब मैं रखती हूँ, भाभी ने सुन लिया तो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि घर में अभी वही मेरी गार्जियन है। अब रखती हूँ, बाय। अजी सुनते हैं, उठिए, देखिए घर पे कोई नहीं है, सीमा विक्रम के साथ मद्रास जा रही है। अब क्या होगा, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। आप उसे रोकिए, ए उठिए। अरे आप सो क्यों रहे हैं, सीमा मद्रास चली जा रही है, उठिए। सीमा तुम कहाँ जा रही? कॉलेज टूर में। तुम झूठ बोल रही, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं सब जानती हूँ, तुम विक्रम के साथ मद्रास जा रही हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वाकई? आप कौन होती हो रोकने वाली? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ। इस घर का मान सम्मान मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी, विक्रम जैसे इंसान के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दीजिए। नहीं सीमा तुम नहीं जा सकती, रास्ता छोड़िए। नहीं तुम नहीं जाओगी भाभी। सीमा तुम नहीं जा सकती। सीमा जाएगी और जरूर जाएगी, मैं देखता हूँ उसे कौन रोकेगा। चलो सीमा। नहीं ये नहीं जाएगी। वो जाएगी। नहीं सीमा तुम नहीं जाओगी। नहीं सीमा आओ। नहीं सीमा हट। बहुरानी आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं। सीमा तुम मत जाओ। चलो सीमा। ए, 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 चल जा यहाँ से, चल जा। भग, भग, हट। ये क्या हो रहा है? छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम कौन हो? विक्रम, विक्रम चतुर्वेदी। पापा ये मेरे दोस्त है। हाँ। अमर के दोस्त? हाँ। अमर की गैर मौजूदगी में तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ। और अजय तुम्हें क्यों मार रहा था? मतलब मैं नहीं सुनना चाहता। बोलो क्यों आए हो? मतलब गीता ने मुझे बुलाया था। नहीं नहीं पापा नहीं, ये झूठ कह रहा है, ये झूठ कह रहा है पापा। झूठ मत बोलो, तुमसे सच उकलवाने में मुझे देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे जवाब से ही इस घर का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। देखिए मैं बता रहा हूँ, सच सच बताओ, मेरा विश्वास करो अमर। उस दिन में मैंने तुमसे कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, शादी से पहले गीता के साथ मेरा अफेयर था। नहीं झूठ है, ये सब बात झूठ है पापा। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखिए घर पे कोई नहीं था इसलिए इसने मुझे बुलाया था, मैं जब इससे बात कर रहा था तो अजय साहब ने मुझे देख लिया और फिर मुझे मारना शुरू कर दिया। नहीं पापा ये मनगढ़ंत बातें हैं, मेरा इससे पहले भी कोई रिश्ता नहीं था और आज भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए, ये झूठ कह रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सच क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं, वरना मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रहा हूँ? और फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि इस वक्त आप लोग घर पर नहीं है? विक्रम अब तुम जा सकते हो। तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ अंकल, आपके परिवार की समस्या आप ही सुलझाइए, मेरा यह क्या काम। बाय अमर। बाय। नहीं ये झूठ कह रहा है, ये झूठ कह रहा है, आपने कैसे सोच लिया आपके घर की बहू? चुप हो जाओ। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई जो इस परिवार की तरफ आंख उठा के देख सके, लेकिन आज तुमने इस परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। नहीं अमर नहीं, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इस घर का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाए। मैंने विक्रम को नहीं बुलाया, वो मुझसे मिलने भी नहीं आया था। विक्रम अगर तुमसे मिलने नहीं आया तो किससे मिलने आया इस घर में? सच क्या है बोलो, खामोश क्यों हो? पापा आपसे एक प्रार्थना है, विक्रम यहाँ किससे मिलने आया था ये मत पूछिए। छुप छुप कर गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाती हो और पूछने पे सती सावित्री बनने का नाटक करती हो। अमर बहुरानी
तुम इतना नीचे गिर गई? जरा सा भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मेरी बेटी होती तो गला घोट के मार देती। एक दिन आपने ही तो कहा था मैं इस घर की बहू नहीं बेटी हूँ, तो फिर आज मेरा गला दबा कर मार डाली मुझे, मार डाली। आसिमा, पापा आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। पापा। छी, तुम एक औरत के नाम पे कलंक, कलंक। नहीं बहू रानी, मैं जा रहा हूँ साहब को सब बताने। नहीं रामू काका, आपने मुझसे वादा किया था ना, इसलिए बहू रानी इस घर के मान मर्यादा के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। बहू रानी, अमर तुम यहाँ क्यों आई हो? जब एक अनजान इंसान मुसीबत में पड़ता है तो सभी उसकी मदद करते हैं, और जब अपनी मुसीबत में पड़ते हैं तो उसकी कोई मदद नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तकलीफ देकर तुम्हें क्या खुशी मिलती है? तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने जानबूझकर तुम्हारे भैया से शादी की। अगर किसी अच्छे लड़के से मेरी शादी होती तो तुम्हारी सोच से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे पागल भाई से शादी क्यों की? मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत ना हो लेकिन मुझे है, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। शायद तुम्हें नहीं पता मैं किस हाल में इस घर की बहू बनकर आई हूँ। शादी से पहले पापा ने मुझे कहा श्री कृष्ण चौधरी के बेटे से तुम्हारी शादी तय हुई है। मुझे लगा वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। शादी के मंडप पे मुझे पता चला भगवान ने मेरे साथ मजाक किया है। हवन की आग ने मेरी जिंदगी को, मेरे सपनों को जलाकर राख कर दिया। बोलो इसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? मैंने जानबूझकर तुम्हारे प्यार का अपमान किया। वाह, अच्छी कहानी है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी जैसी हर औरत अच्छी कहानी बना लेती है। क्या कहा? मैं कहानी बना रही हूँ? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, इसीलिए मेरी सारी बातें तुम्हें मनगढ़ंत कहानी लग रही है। ठीक है, तुम मुझे भाभी का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन कलंक ने कह के मुझे मौत के मुंह में मड्ढा खेलो। साला, आज अगर मैंने इसे क्लीन बोल्ड नहीं किया ना तो फिर मेरा नाम पंचू नहीं। जी नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो? अरे मैं पंचानन। पांच क्यों, तुम्हारा तो एक ही सर है, पंचानन कैसे हो गए? बताता हूँ, सब बताता हूँ। चंपा एक कप चाय लाना। तो लाती हूँ। अरे चाय लाने के लिए क्यों कहा? अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल? हाँ। कितने? एक। पूछो। 909 में से अगर 0 गया तो आपके पास बचा कितना, गया कितना? क्या, क्यों, 0 कहाँ गया? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, दाएं तीतर, बाएं तीतर, ऊपर तीतर, नीचे तीतर। तो दिमाग लगाकर ये बताइए कुल मिलाकर कितने तीतर? आगे तीतर, पीछे तीतर, दाएं तीतर। खुशबू है गुलाब नहीं, रंगीन है लेकिन शराब नहीं, सुगंध है कोई प्रेम पत्र नहीं, ये जहर है लेकिन ये क्या बात हुई? तीन अक्षर का उसका नाम, उल्टा सीधा एक समान, आवागमन का प्रमुख साधन, बोलो प्यारे उसका नाम। और अगर आप जानते हैं तो बताइए। अगर सचिन तेंदुलकर छक्का मारेगा तो राणा तुंगा आउट कैसे होगा? कैसे आउट हो गया? 12 नेताओं ने मिलकर एक गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया, और फिर से 12 नेताओं ने मिलकर दोबारा से गठबंधन किया, तो इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भैया, भैया, भैया क्या हुआ? भैया, भैया को क्या हो गया है? मेरे पूछे गए सवालों में फंस के फुल फ्लैट। दो चाय। दो चाय बाद में पीना, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मतलब अब तुम भी सवाल पूछोगी? हाँ। तुम्हारा खानदान क्या प्रश्नवाचक खानदान है? ठीक है पूछो।
अच्छा बोलो तो यहाँ के पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर हमारी पहली महिला डॉक्टर कौन थी? महिला एक आदमी ने तालाब के किनारे एक सुंदर लड़की को देखा। वो लड़की एक बच्चे को नहला रही थी। उस आदमी ने कहा, खत्म हो गया मेरा आटा, ये है किसका बेटा? उस लड़की ने कहा, इसके पापा जिसके ससुर, उसके पापा मेरे ससुर। तो बताओ उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? जिसका काम उसी को साझे, अगर कोई दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मतलब क्या है? अरे जा समझी चंपा, इस शादी के लिए मैं राजी हूँ। आप शादी के लिए राजी हैं? मैं भी राजी हूँ, लेकिन साले साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे इतना सवाल क्यों पूछते हैं। समझे पंचू बाबू, तुम तो अनाप शनाप बखोगे तब चंपा तुमसे सवाल करेगी और मैं फ्लैट। सीमा चाय। सीमा, सीमा क्या हुआ? भाभी। सीमा, भाभी। सीमा क्या हुआ? सीमा, सीमा बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? उस दिन आपकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी भाभी। आपने सही कहा था, इस घर की मान मर्यादा मैंने मिट्टी में मिला दी है। सीमा, विक्रम ने कुछ किया है? नहीं। तो फिर क्या बात है, बताओ, मुझे बताओ। सीमा, खत मिलते ही पैसा ट्रांसफर कर देना, वरना तस्वीरें वायरल कर दूंगा। सीमा, मैं जानती थी ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ होने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगी भाभी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारी भाभी अभी जिंदा है सीमा, वो मर नहीं गई। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। भाभी, हेलो, विक्रम स्पीकिंग। विक्रम, मैं गीता बोल रही हूँ। अरे गीता जी, मुझे मालूम था फोन करेंगी। तुम्हारा जो मन करे वो तुम कह सकती हो, लेकिन पैसे भिजवाने के बाद। ओके गीता। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, खुद मैं ही आ जाऊंगा। ओके, इन रुपयों की मुझे कोई जरूरत नहीं है मिस गीता। तुमने मुझे जो थप्पड़ मारा था उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। उसका बदला जब तक चुकता ना हो जाए, विक्रम चैन की सांस नहीं ले पाएगा। नायिका को खलनायिका बनाकर कैसे फिनिश किया जाता है वो इस कहानी के खलनायक को अच्छी तरह पता है। पापा। बोलो बेटी। मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। तुम इतने पैसों का क्या करोगी? अचानक जरूरत आन पड़ी है पापा। क्यों, वो मैं अभी नहीं बता सकती। मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा रुको। ये लो। अरे बेटी, तो इतने दिनों बाद। पापा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आज ही मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। अरे इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगी? अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या करूँगी, मैं सब बाद में बताऊंगी। मेरी मदद कीजिए पापा। ठीक है बेटी, मैं बैंक से पैसे निकाल कर तुम्हें दे आऊंगा। खूब, बहुत खूब। बिल्ली जब दूध पीती है उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन पहरेदार उसे हमेशा देखता है। कहो, आज भी यही कहोगे कि तुमने विक्रम को नहीं बुलाया? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली दोस्त, एग्जैक्टली। अगर मुझे नहीं बुलाया जाता तो एक शरीफ आदमी के घर में मैं रात के 12 बजे क्या कर रहा हूँ? उस दिन बुलाया था रोमांस करने के लिए और आज बुलाया है पैसे देने के लिए। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने विक्रम को इतने रुपए क्यों दिए। प्लीज इस बारे में मत पूछो, मैं कुछ नहीं बता सकती। नहीं पूछू? क्यों नहीं पूछू? तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? क्या तुम्हारे बाप ने दहेज में दिए थे? अमर! चुप रहो। उस दिन तुमने कहा था ना, मैं कलंकिनी बोल के तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, और आज उसी कलंक को मिटाने के लिए अपने जेवर को बेचकर पूरी अलमारी को खाली करके विक्रम को पैसे दे। अमर! बताओ बताओ तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? जहाँ से भी आए हो, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं। क्या कहा तुमने? इस घर की इज्जत को तुम मिट्टी में मिला दोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। क्या हुआ अमर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मुझसे नहीं पूछना है तो अपनी सती सावित्री बहू से पूछो, जो विक्रम को पैसे देके उसका मुंह बंद कर रही थी। बहू रानी, तुमने उस दिन मुझसे पैसे लिए थे विक्रम को देने के लिए। गीता, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? विक्रम के साथ तुम्हारा ऐसा क्या रिश्ता है कि उसका मुंह बंद करने के लिए तुम्हें रुपए देने पड़े? मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं कुछ भी बता नहीं सकती। सुना तुमने माँ, कहने लायक कुछ भी बचा जो ये कहेगी? तो क्या सच में? नहीं माँ, नहीं, सब झूठ है। चुप रहो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, गरीब घर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। माँ, अरे तुम्हें क्या लाज शर्म बिल्कुल भी नहीं है? और कोई लड़की होती तो जहर खाकर नहीं तो पानी में डूब कर आत्महत्या कर लेती। छी छी छी, माँ, पापा, आप भी यही। बहू रानी, आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा किया, लेकिन लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। पापा, नहीं पापा, नहीं। मैं यहाँ कैसे आ गया? अजय, पापा, भैया, आप? सीमा, मुझे क्या हुआ? अजय, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है बेटा, तू ठीक हो गया है बेटा, तू ठीक हो गया है। मालकिन साहब, अजय साहब अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप सच में ठीक हो गए? पापा, ये कौन है? अजय, ये तुम्हारी पत्नी है, तुमने इससे पहचाना नहीं? मेरी पत्नी? हाँ अजय, तेरी शादी हो गई है। शादी हो गई? मेरी शादी? भैया, बहुत अच्छा हुआ तुम शादी की बात भूल चुके हो। भाभी, अगर आप इस तरह से टूट जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, बताइए तो। रामू, रामू! आया मालकिन, मुझे बुलाया आपने? सुदामा बाबू से कहना कि घर पर आए। अच्छा, एक काम कर, उन्हें साथ में लेकर आना, जरूरी बात है। ठीक है। Ah!
क्या हुआ, डर क्यों गई? डर तो लगेगा ही, जो पाप करते हैं उसके मन में हमेशा डर रहता है। नहीं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, इस घर में कोई भी अंधा नहीं है। अमर, मैं सही कह रहा हूँ पापा? क्या ये दावे के साथ कह सकती है कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भैया का बच्चा है? हाँ हाँ, मैं कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ। क्यों नहीं कहोगी? दूसरे का पाप पेट में लेकर जोर गले से क्यों नहीं कहोगी? आप क्या कह रही हैं? ठीक ही कह रही हूँ, कल जो बात सुनकर 5 लोग हम पर थूकेंगे उस बात को कैसे दबा कर रखूं? ओ शांति, जरा चुप भी रहो। क्यों क्यों चुप रहूंगी? बहू जब माँ बनती है तो ससुराल में कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे समाज के सामने खड़े होकर कहूंगी कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, मेरा पागल बेटा बाप बनेगा? कौन कौन इस बात पर विश्वास करेगा? माँ, आप ये सब क्यों कह रही हैं? क्यों न कहूँ? हाँ, तुम्हें बहू न मानकर बेटी माना था मैंने, उसका ये सिला दिया तुमने, ये कलंक लगा दिया। बोलो, जवाब दो। माँ, मत कहो मुझे। क्या हुआ है माँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखिए देखिए, यहाँ मुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। आप ही इन्हें बताइए, मैं जिस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ उसके पिता आप हैं। आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या सच में आप मुझे नहीं पहचान पा रहे? आपको कुछ भी याद नहीं? हमारी सुहागरात, आपका मेरी मांग भरना, कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये देखिए, ये सिंदूर की डिब्बी, ये आपने मुझे दी थी, इसी से मेरी मांग भरी थी। याद कीजिए, याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। याद आ रहा है? मैंने दी थी ये आपने ही मुझे दी थी, इसी से मेरी मांग भरी थी आपने। एक बार सभी को बता दीजिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, बताइए बताइए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, बताइए ना इन्हें। नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं? ये कुर्ता देखिए, ये कुर्ता देखिए, आपने उस रात को यही पहना था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, बिजली भी बहुत चमक रही थी, आप डर के मारे दौड़ के मेरे पास चले आए थे। याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, बताइए इन्हें उस रात के बारे में, बताइए इन्हें। आप मेरे पास आए थे, बोलिए इन्हें, याद कीजिए, बताइए इन्हें, बताइए इन्हें, बोलिए ना, याद कीजिए। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्हें पता चल गया ना? और कुछ पूछना है तुम्हें? कोई कहानी बतानी है? नहीं, और कुछ नहीं कहना। मिसेस गीता चौधरी, नहीं 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 नहीं, श्री कृष्ण चौधरी की दुलारी बहुरानी। क्यों क्यों तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो?
मैं तुम्हें नहीं लाया मिसेस चौधरी, तुम्हारे ससुर सास तेवर उन्होंने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया है। अगर मैं चाहता तो तुम्हें बहुत पहले सड़क पर ला सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इंतजार किया इस दिन का जिस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अब न तुम घर की रही न घाट की, अब ये विक्रमी बनेगा तुम्हारा पति परमेश्वर देवता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ? छोड़ दूँ? जिस दिन श्री कृष्ण चौधरी ने मेरा ठेका सील किया उसी दिन मैंने कसम खाई थी उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और गीता देवी शायद तुम ये नहीं जानती कि इस कहानी का मैं ही खलनायक हूं। नायक के परिवार को अगर मैं खत्म नहीं कर पाया तो श्री कृष्ण चौधरी की कहानी कैसे फिनिश होगी बताओ? क्या हुआ कृष्णा, भाभी ने मुझे क्यों बुलाया है? आपकी बेटी की करतूतें बताने के लिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, मतलब? आपकी बेटी ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हा? जब किसी और के साथ चक्कर था तो मेरे बेटे के साथ शादी क्यों की? शादी के बाद भी वो अपने पुराने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं, झूठ है, ये सब झूठ है। तुम लोग सभी झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी कभी ये काम नहीं कर सकती। उसकी माँ के चले जाने के बाद मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, इन्हीं हाथों ने उसे प्यार किया है, उसे बड़ा किया है और आशीर्वाद देकर तुम्हारे घर भेज दिया। अरे जिस लड़की ने अपने मायके में कुछ नहीं किया वो आज अपने ससुराल में कलंकिनी हो गई। बोल बोल कृष्णा, तुझे भी ऐसा लगता है? तुझे भी? मुझसे कुछ मत पूछ सुदामा, मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। ओ तो तू भी इनके साथ है, लेकिन तू इस बात को मत भूल कृष्णा, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया था, तू आया था मेरे पास। और तेरा बेटा पागल है, इसके बाद भी मैं शादी के लिए राजी हो गया था। क्यों? बस अपनी दोस्ती निभाने के लिए तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझा था, और तुमने दोस्ती की यही सजा दी। कहते हो मेरी बेटी चरित्रहीन है, कलंकिनी है। वाह, एक पागल के साथ शादी होने के बाद जब एक कुंवारी लड़की के सपने टूट जाते हैं तब वो क्या कर सकती है पता है? आत्महत्या। सारे दर्द को अपने सीने में दबाकर जब मैंने उसे अपने घर से विदा किया था, हिंदू धर्म के पवित्र संबंध की दुहाई देकर मैंने उसे इस घर में भेजा था, और यहाँ आकर अपने अरमानों को जलाकर अजय को एक नया जन्म दिया है। उसके बाद भी उसकी तारीफ न करके आप लोग उसे बदनाम कर रहे हो, उसके चरित्र पर लाक्षण लगा रहे हो। और अमर तुम भी इनकी तरह गीता का अपमान कर रहे हो। अरे शादी से पहले उसका किसके साथ संबंध था, वो किससे प्यार करती थी? बोलो अमर बोलो, आज अपने माँ बाप के सामने सारी बातें सच सच बता दो। वो तुमसे प्यार करती थी या किसी और के साथ चक्कर था? तुम जानते हो जिस दिन शादी थी उसी दिन मुझे पता चला कि वो तुमसे प्यार करती थी और मैंने उसका सर्वनाश कर दिया। उसी दिन से मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, कोस। और आज मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो तुम लोग एक साथ मिलकर गीता का अपमान कर रहे हो? ठीक है ठीक है, अगर मेरी बेटी ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है तो उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उसे अभी लेकर चला जाऊंगा इस घर से। मैं अपनी बेटी को, गीता बेटी, गीता बेटी। उसको बुला रहे हो सुदामा? वो तो ये घर छोड़कर चली गई। साहब, बहुरानी घर में नहीं है, मलकिन आप लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। नहीं नहीं, इतना बड़ा अन्याय भगवान कभी नहीं माफ करेंगे। मैं सब जानता हूँ साहब, इतने दिनों से बहू रानी ने मुझे कसम देकर चुप रखा था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सब सच बता दूंगा। क्या जानते हो रामू? साहब, सोना आग में तपने के बाद जैसे और खरा हो जाता है, बहू रानी वैसे ही गंगा की तरह शुद्ध और पवित्र है। ये बात किसी को पता हो या ना हो, मुझे पता है बहू रानी की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का नहीं, अजय साहब का है। शायद इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी इसलिए सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन साहब ये बात दिन की तरह सच है। सच्चाई को कोई छुपा सकता है? और मालकिन, कलंकिनी कहकर जिसे आपने घर से निकाल दिया है वो कलंकिनी नहीं। उस दिन घर में विक्रम बहू रानी से मिलने नहीं आया था, मिलने आया था सीमा दीदी से, और उस दिन बहू रानी ने जो पैसे दिए वो पैसे अपने किसी पाप को छुपाने के लिए नहीं मालकिन, बल्कि वो पैसे सीमा दीदी की इज्जत बचाने के लिए दिए थे। रामू, तू सच बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूँ साहब,
सीमा दीदी विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन विक्रम ने सीमा दीदी की गंदी तस्वीरों का अखबार में छपवा देने की धमकी देकर पैसे मांगे थे, और इसलिए बहू रानी ने आपसे और आपके दोस्त सुदामा जी से पैसे लिए थे, और इसके अलावा अपने सारे जेवरात बेचकर और सब पैसे विक्रम को दिए थे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सब सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप सीमा दीदी से पूछ लीजिए। सीमा दीदी आप सब सच सच बता दीजिए, सब सच सच बता दीजिए। हाँ पापा, रामू काका ने जो कहा है सब सच। सीमा मारिए मारिए, जितना मन करे मारिए। मेरी वजह से भाभी का आज ये हाल है। अगर भाभी नहीं होती तो मेरा क्या हाल होता, ये तो भगवान ही जानते हैं। भाभी का अपमान करके आप लोगों ने घर से निकाल दिया। भाभी के पैर पकड़ के उनसे माफी मांग के उन्हें वापस ले आऊंगी, उन्हें वापस ले आऊंगी पापा। सीमा सीमा, जाने दो से। उसी की वजह से मेरी लक्ष्मी जैसी बहू घर छोड़कर चली गई है। जाने दो से। दीदी, जीजा जी, सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ है? विक्रम ने बहुरानी को उठा लिया है। क्या? जल्दी कीजिए जीजा जी, आप कुछ कीजिए वरना हम लोग बहुरानी को खो देंगे। अजय साहब, अमर साहब, अभी भी समय है। इस घर की मान मर्यादा बर्बाद होने से पहले जाइए, जाके बहुरानी को बचा लीजिए। उस राक्षस विक्रम के हाथ से सीता माँ को बचाने के लिए आज फिर आप दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण बन के लग्गा जाना पड़ेगा। आप जाइए साहब, अब देरी मत कीजिए वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हर कहानी में एक नायक होता है और एक होता है खलनायक, और मैं हूँ इस कहानी का। ये दुशासन बहुत ही निष्ठुर है और बड़ा ही निर्दयी। विक्रम, छोड़ो छोड़ो भाभी को। ओ ननदा, ये भाभी की रक्षा करने के लिए। ए, तुम सब क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। विक्रम तुम, छोड़ दो मुझे। द्रौपदी युग में तो दुशासन ने एक द्रौपदी का चीर हरण किया था, मगर इस युग के मॉडर्न दुशासन के लिए दो दो द्रौपदी। उस युग के दुशासन ने जो काम पूरा नहीं किया था वो अधूरा काम आज मैं पूरा करूंगा, और वो हरामजादा श्री कृष्ण चौधरी आज मेरे सामने अपने घुटने टेकेगा और अपने परिवार की इज्जत आबरू की भीख मांगेगा, और वही होगा मेरा प्रतिशोध। विक्रम, देख मुझे, देख मेरी मीता को मारकर तूने मुझे पागल बना दिया था। आज गीता को अपने अड्डे पे लाकर तूने जो चक्रव्यूह रचा है उसे मैं तोड़ के चकनाचूर कर दूंगा। ए, मैंने जो जाल बिछाया है उस जाल में फंसकर श्री कृष्ण चौधरी का परिवार फिनिश हो जाएगा। फिनिश। तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मारो साले, मारो। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। इस कहानी का खलनायक मैं हूँ, मैं, और तू मुझे चैलेंज कर था कर रहा हूँ। अच्छा।
छोड़ो विक्रम, छोड़ो 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 विक्रम, छोड़। आओ, कौन आएगा? बटले अमर, क्या हुआ बेटा? भाई मेरे, ये तूने क्या कर दिया? तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे अस्पताल लेके जाऊंगा। अमर, नहीं भैया, नहीं। हाँ। मुझे एक नहीं बात कहने दो भैया। भाभी का जो मैंने अपमान किया है, नहीं अमर, उसके लिए मुझे प्रायश्चित तो करने दो भैया। भाभी, मैंने जो पाप किया है, इस पापी को तुम माफ कर दो। भाभी, मुझे तुम अमर, मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना, मानूंगी भी नहीं। भैया हाँ भाई, भाभी को तुम गलत मत समझना। भाभी को कभी गलत मत समझना, गलत मत समझना भाई। भाभी, भाई भैया, गीता की तरह पवित्र है भाई। तुम लोग सब खुश खुश रहना, मुझे माफ। अमर, Mm-hmm.
Mm-hmm.